प्रधानमंत्री जी, अगर इस इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो हर व्यक्ति बात करता है राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय सुरक्षा की, ये दो मुद्दे हैं जो आपके नाम के साथ साथ अग्रणी है, फोरफ्रंट पर है। क्या आपको लगता है कि इन दो मुद्दों को इसलिए लाने की जरूरत पड़ी क्योंकि विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ता है? मैं तो डे वन से कह रहा हूं भाई, आओ विकास की चर्चा करो। मैं जो क्लेम कर रहा हूं कि मैंने 5 साल में ये काम किया है, उसको कोई चुनौती दो। नहीं दे रहे क्योंकि उनको स्टडी करना पड़ेगा, साथ साथ उनको 70 साल की बात बतानी पड़ेगी, हाँ भाई हमारे समय ये नहीं होता था, आपके समय हुआ। तो उनके इसलिए उन्होंने रास्ता चुना है आरोप प्रत्यारोप करने का। जब पुलवामा हुआ, सबसे पहले बयान क्या आए, कहाँ आए 56 इंच, क्या आया था कि नहीं आया था, क्या कर रहा है मोदी। अब जब हमने एयर स्ट्राइक किया तो सवाल उठाते हैं, किया क्यों, फिर कहते बोलते क्यों हो। अब इसका क्या जवाब हो सकता है, सवाल आपने उनको पूछना चाहिए। अभी हमने मिसाइल से सैटेलाइट गिराने में सफलता प्राप्त की, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दुनिया की चौथी महाशक्ति हम बने। अब उनको सवाल ये है कि चुनाव के समय क्यों हुआ, मोदी ने टीवी पर आकर के अनाउंस क्यों किया। ये ग्लोबल कम्युनिटी के लिए जरूरी होता है इतना बड़ा फैसला। अब ये इनको इतने साल सत्ता में रहे, उनको समझ ना आए और उसमें भी चिल्लाने लगे, फिर कुछ नहीं बचा तो वैज्ञानिकों ने किया। अगर पुणे में रोड पर कहीं गड्ढा है, मोदी जिम्मेवार। इतना बड़ा सैटेलाइट, हाँ भाई वो तो ठीक है, वो तो वैज्ञानिकों ने किया, है उनका नेचर है वो, आप लोग उनको कभी पूछते रहिए। क्या इनको लगता है, आपको ऐसा लगता है कि इनको मोदी फोबिया है, मोदी जो करे उसको उठाओ क्रिटिसाइज करो, उसके बारे में कुछ भी बात बोलो, चाहे वो मेरिट में खरी उतरती हो या ना उतरती हो, मोदी फोबिया? विपक्ष का एक काम है और करना चाहिए, मैं तो चाहता हूं और ज्यादा करना चाहिए, लेकिन पूरी जानकारियों के आधार पर करना चाहिए, पूरी जिम्मेवारी के साथ करना चाहिए। चलते चलते सिर्फ मीडिया में छाए रहने के लिए और सिर्फ उनके जो दरबारी लोग हैं वो उनकी प्रसिद्धि करते रहते हैं, इसलिए करते रहना देश की जनता के गले कैसे उतरेगा जी।